नमस्कार दोस्तों, मैं करण कौशल और स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कार का फॉग देख सकते हैं, अभी बिल्कुल कार में हमारा जो है बिल्कुल फॉग बैठ गया है और अंदर से हम बाहर की ओर नहीं देख पा रहे हैं। तो ये क्यों होता है दोस्तों? ठीक है, ये होता है दोस्तों बाहर का टेम्परेचर और अंदर का टेम्परेचर बिल्कुल मैच नहीं हो रहा है, जिसके कारण क्या होता है कांचों में जो है बिल्कुल फॉग सा बैठ जाता है। ठीक है, तो इस तरह का फॉग आपको किस तरह से साफ करना, काफ़ी बार दोस्तों आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस तरह से कपड़ा लेते हैं और बिल्कुल इस तरह से साफ करते हैं। देखिए, यहाँ से साफ कर रहे हैं तो यहाँ से आपको फॉग तो बिल्कुल हट जा रहा है, लेकिन इस तरह से फॉग हटाने से कोई भी फायदा नहीं है दोस्तों, फिर से वो फॉग आ जाता है। देखिए, फिर से आना स्टार्ट हो गया। तो आप कितना बार ड्राइविंग करते रहिएगा और कितना बार साफ करते रहिएगा, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और इस तरह से साफ करने से बिल्कुल जब साफ हो जाता है मिरर का, उसके बाद ही फॉग दिखना, मतलब उसके बाद जो लाइनिंग आने लगता है, बहुत सारे लोग इस तरह से हाथ से करते हैं, वो बिल्कुल नहीं करना दोस्त। बार बार आपको दिक्कत होता है कि यहाँ पे लाइनिंग दिख रहा है, वहाँ पे लाइनिंग दिख रहा है, मतलब प्रॉपर तरीके से वो बिल्कुल आपका जो विंडशील है वो साफ नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग सिखाने वाले हैं कि इस तरह का फॉग आपको किस तरह से बिल्कुल हटाना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कार को स्टार्ट कर लेना। ठीक है, ऐसे आप ड्राइविंग करेंगे तो उस वक्त भी आपका गाड़ी स्टार्ट ही रहता है। अगर आप खड़े हैं तो बिल्कुल आपको कार को फिर से एक बार स्टार्ट कर लेना है। तो कार स्टार्ट हो गया दोस्तों। तो उसके बाद दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका एसी स्टार्ट कर लेना कार में। ठीक है, तो अभी हम कार का एसी स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से एसी का बटन है तो इसको स्टार्ट कर लिया हम, तो बहुत सारे लोग ये भी स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो एसी स्टार्ट हो गया दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा सिंबल बना हुआ है। ठीक है, एयर वेंट्स में, मतलब आपका एयर का फ्लो किधर जाए, तो यहाँ पे जूम करके थोड़ा दिखाइए आनंद जी, ये वाला सिंबल आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको लाना है। तो इस बटन को घुमा के आपको बिल्कुल उस जगह पे लाना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपका ये वाला बटन है एयर इंटेक का। ठीक है, एयर इंटेक बटन को आपको ऑफ कर देना है। ऑफ करने से क्या होगा दोस्तों, आपका बाहर वाला जो एयर है वो अंदर आएगा, मतलब बाहर का टेम्परेचर और अंदर का टेम्परेचर एक होना चाहिए, तब आपका जाके विंडशील साफ हो जाएगा। देख सकते हैं आप दोस्तों, बिल्कुल अभी धीरे धीरे विंडशील जो है बिल्कुल साफ हो गया है। अब अभी क्या है दोस्तों, बिल्कुल सिर्फ साइड वाला जो खिड़की है उस खिड़की वाला को धीरे धीरे हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हल्का सा हम टेम्परेचर, हल्का से हम स्पीड को बढ़ा देंगे फैन के स्पीड को। ठीक है, जब देखेंगे यहाँ बिल्कुल साफ हो गया है, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, इस वाले नॉब को फिर से वापस मुझे घुमाना है। ठीक है, और यहाँ पे क्या करना है, ड्राइवर की ओर करना है, मतलब यहाँ से आपका एसी का जो एयर है यहाँ से निकलना चाहिए, और इस वाले इंटेक को हम इस साइड कर देंगे, मतलब इस वाले खिड़की की ओर कर देंगे और इस वाले को हम इस वाले को कर देंगे, मतलब मेरा जो एयर है बिल्कुल इस तरह से जा रहा है। इससे क्या होता है, देखिए अब ये भी शीशा जो है बिल्कुल साफ होने लगा, देख सकते हैं बिल्कुल साफ हो गया। अब धीरे धीरे पीछे वाला भी साफ हो जाएगा दोस्तों, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा, तभी आपका पीछे वाला साफ होगा, क्योंकि जैसे जैसे आप गाड़ी के अंदर पूरा एयर जाएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, पीछे वाला भी साफ हो जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों, आनंद जी थोड़ा सा दिखा सकते पीछे वाला शीशे को, तो देख सकते हैं पीछे वाला अभी बिल्कुल फॉग हो गया, वो भी 5-10 मिनट के अंदर वो बिल्कुल साफ हो जाता है धीरे धीरे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब आपको हम बताते हैं कि आप लोग क्या गलती करते हैं। आप लोग दोस्तों एक ही चीज गलती करते हैं, आप लोग एसी को तो स्टार्ट करते हैं लेकिन यहाँ पे एयर इंटेक का बटन को आप लोग ऑफ नहीं करते हैं, मतलब बहुत सारे ऑल्टो में देखेंगे बटन एक रहता है इधर उधर करने का। ठीक है, लेफ्ट राइट करने का रहता है, तो यहाँ पे कार का सिंबल बना हुआ है। ठीक है, थोड़ा जूम करके दिखाइए इसको, देखिए यहाँ पे एक कार का सिंबल बना हुआ है और कार के सिंबल के अंदर एक एरो बना हुआ है। ठीक है, उस एरो का यहाँ सिंबल का साफ साफ मतलब है कि आपका एयर जो है कार के अंदर वाला ही एयर फिर से वापस जा रहा है एसी वेंट्स में, वो फिर से उसको ठंडा करके फिर से बाहर ला रहा है। ठीक है, तो इस तरह से कीजिएगा तो बिल्कुल आपका जो कार के अंदर जो भी फॉग जमा हुआ है दोस्तों वो बिल्कुल हटने वाला नहीं है। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला बटन को ऑफ करना पड़ेगा। बहुत सारे देखते हैं ऑल्टो में यहाँ इस तरह से खींचना पड़ता है लेफ्ट और राइट, बहुत सारे लोग को समझ नहीं आता है तो वो क्या करते हैं बीच में रख देते हैं भाई। तो भाई इस तरह से बेवकूफी आप लोग कभी मत कीजिए, बीच में कभी मत रखिए। ठीक है, या तो लेफ्ट कीजिए या तो राइट कीजिए, लेकिन आपको फॉग हटाना है दोस्तों तो बिल्कुल आपको एक सिंबल दिखा रहा होगा कि एयर जो है कार के अंदर घुस रहा है, मतलब उस सपोज लाइट इधर अगर रहता होगा तो बिल्कुल आपको बटन को इधर कर देना है। तो हमारा कार में तो सिर्फ एक बटन दिया है, तो इसको समझ आना है, जैसे यहाँ पे ऑन हो गया इसका मतलब समझ आना है कि आपका एयर जो है बिल्कुल अभी कार के अंदर ही रिसर्कुलेशन हो रहा है। ठीक है, जैसे इसको ऑफ कर देंगे हम तो अब बाहर का एयर अंदर आ रहा है कार के अंदर। ठीक है, बाहर का एयर कार के अंदर आ रहा है, इससे क्या होता है दोस्तों, बाहर का टेम्परेचर और अंदर का टेम्परेचर बिल्कुल मैच हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है अब
हमारा विंडशील्ड बिल्कुल देख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल अच्छी तरह से साफ हो जाता है। उसके बाद अगर आप वाइपर को चलाते हैं तो इस तरह से बिल्कुल अच्छी तरह से आपको साफ सुथरा दिखाई देने वाला है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।